पाकिस्तान के लिए बीते कुछ सालों में वर्ल्ड कप इतना भी अच्छा नहीं रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। अब इन सालों में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भी बहुत लड़खड़ा के पहुंचती है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम ग्रुप मैचों में ही लगभग बाहर हो गई थी, लेकिन इसके बाद में किस्मत के चलते पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंच पाई, लेकिन फाइनल में ओसने के अट्टो पाकिस्तान की टीम वापस फाइनल से बाहर हो गई। इसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप और साथ ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही निराशा हासिल की। लेकिन अब जैसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हुई है, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान की टीम ग्रुप मैचों में ही बाहर होने की कगार पे आ पहुंची है। पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बुरा मैच रहा अमेरिका के खिलाफ खेला गया मैच। अमेरिका ने पहली बार क्रिकेट में कदम रखा है और इसके साथ ही अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को सुपर ओवर में हरा दिया। पाकिस्तान की टीम को ग्रुप मैचों में कम से कम 4 में से 3 मैच जीतने होंगे, तभी वह आगे के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम एक मैच अमेरिका से हार गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम अगर आज इंडिया के साथ मैच हारती है तो पाकिस्तान की टीम के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आज का मैच पाकिस्तान की टीम हारने के बाद में पाकिस्तान की टीम आगे सिर्फ 2 ही मैच जीत सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करूँ अमेरिका टीम के बारे में, तो अमेरिका की टीम ने अब तक 2 मैच जीते हैं और अमेरिका की टीम का आगे आने वाला मुकाबला इंडिया से होगा, तो अमेरिका इंडिया की टीम से नहीं जीत सकती, लेकिन उससे अगला मुकाबला अमेरिका का आयरलैंड से होने वाला है। अगर अमेरिका की टीम आयरलैंड को हराती है तो अमेरिका की टीम आसानी से आगे के लिए क्वालिफाई कर सकती है और पाकिस्तान की टीम के लिए 2024 का वर्ल्ड कप सफर यहीं पे खत्म हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह पहली बार होगी उसकी टीम ग्रुप मैचों में नहीं पहुंच सकी है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।